इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? मोदी यूं ही कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर जुबान से बात निकली है तो कुछ ना कुछ तो जरूर वजह है, होगा कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा और कौन करेगा? पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, और इससे भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है। पाकिस्तान पर चोट होगी, आतंक का कमर टूटेगा, दहशत के दिन पूरे होंगे, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। मोदी के संकल्प पर पूरे देश को भरोसा है, देश को क्या दुनिया को विश्वास है। सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं भारत कुछ बड़ा करने वाला है। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India. It's a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. So I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan. Because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time than we had. अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर जमकर आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान को ये कहते हुए आईना दिखाया कि आतंक के सरदारों के सामने वो पस्त पड़ जाता है, ये भी बताया कि क्यों पाकिस्तान दुनिया की नजरों में संदेह में। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी, लेकिन जो बातों से समझ जाए वो पाकिस्तान नहीं है। जरा सुनिए पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री की बचकानी बातें। हम कहते हैं भाई अगर आपके पास कोई एलिगेशन के लिए प्रूफ है लाओ, हम बैठ के इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करके आप देंगे, आपको हमें कोई चीज तो दो, बस मेरली से कि ये पाकिस्तान ने कर दिया 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये तयशुदा था। जब पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर अपनी आंखों पर यूं ही पट्टी बांध लेगा तो भारत को कुछ बड़ा और सख्त तो करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक एक बाशिंदे की सुरक्षा जरूरी है। जिस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया तेजी से तरक्की करते देख रही है, उसे आतंक की आग में जलने नहीं दिया जाएगा, यह पाकिस्तान को तो समझना ही होगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाए। जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान उल जुलूल बातें कर रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, ये दरअसल घबराहट है, ये डर है भारत को लेकर, और ये डर भी जरूरी है, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान, अब तो हिसाब होगा।